नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। बिहार सरकार में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने एक बड़ा और विवादित बयान दिया है। जी हां, उन्होंने अब अपराधियों को सीधे गोली मारने का आदेश दे दिया है। उनके इस बयान से बिहार के साथ साथ पूरे देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार कैबिनेट में फैसला हुआ है कि राज्य के हर जिले में बिहार पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT टीमों का गठन किया जाएगा और जो अपराधी अवैध बंदूक गोली लेकर सड़क पर चलेगा उसे सीधे गोली मार दी जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। लेकिन बिहार सरकार ने फैसला लिया कि प्रत्येक जिला में SIT का गठन होगा, अलग से पुलिस बल का गठन प्रत्येक जिला में हो रहा है और अवैध रूप से जो राइफल गोली लेकर चले छे बदमाश सब अपराधी सब सीधे गोली मारे के आदेश सरकार दे देने छे। कोई अपराधी अब नहीं बचेगा कहीं पर। जो गोली बंदूक लेके चलता है उस अपराधी को तमाम कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ये फैसला अभी बिहार सरकार ने कैबिनेट में लिया है। तो सुना आपने, बिहार के मंत्री ने साफ कह दिया कि बिहार में जो भी अपराधी अवैध बंदूक गोली लेकर सड़क पर चलेगा उसे सीधे गोली मार दी जाएगी, अपराधी अब नहीं बच पाएगा। दिलीप जायसवाल ने यह बयान पूर्णिया के रुपौली विधानसभा उपचुनाव में नामांकन के बाद NDA प्रत्याशी कलाधर मंडल के नामांकन जनसभा में दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने ये बयान बीमा भारती पर तंज कसते हुए दिया है। जी हाँ, हाल ही में रुपौली विधानसभा से ताल ठोकने की तैयारी कर रही बीमा भारती के बेटे राजा कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस पर सुपारी किलिंग का आरोप है। पूर्णिया जिले के भवानीपुर बाजार में 2 जून को हुए व्यवसायी गोपाल यादव का हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने हत्या में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस हत्याकांड के तार रुपौली विधायक बीमा भारती से जुड़ रहे हैं। पुलिस ने इस हत्याकांड का मास्टर माइंड बीमा भारती के बेटे राजा कुमार को बताया है। जाहिर है, पुलिस ने गोपाल यादव का हत्याकांड में बीते दिन पटना स्थित बीमा भारती के आवास पर छापा मारा था और बीमा भारती के बेटे को ढूंढने के लिए पुलिस आई थी, लेकिन वो नहीं मिला क्योंकि व्यवसायी की हत्या के लिए बीमा भारती के बेटे राजा कुमार ने ही सुपारी दी थी। इसी को लेकर पुलिस पूरे मामले की जांच में लगी है। वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।